हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, आज के अपने पोयम का नाम है नदी कंधे पर, रिटन बाय प्रभुदयाल श्रीवास्तव। बच्चों, नदी में खेलना किसे पसंद नहीं है, सबको अच्छा लगता है। नदी में स्विमिंग करना, मस्ती करना, एंजॉय करना, आपको क्या, हम लोगों को भी बहुत पसंद है। लेकिन ये जो नदी होती है ना, अपने घर से बहुत दूर होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पर होती है, बार बार हम वहाँ पर जा नहीं सकते। तो इसीलिए इस पोयम का जो छोटा सा लड़का है, उसको एक कल्पना सूझी है, एक इमेजिनेशन उसने किया है कि इसे मैं क्या करूँ, उठाकर नदी को उठाओ और अपने घर के बाहर इसे बहाओ, ताकि कभी भी जब भी मेरा मन चाहे मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम तक खेल सकूँ, एंजॉय कर सकूँ। तो क्या आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर ढेर सारे लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की पोयम, जिसका नाम है नदी कंधे पर। तो देखते हैं ये बच्चे के मन में कौन से भाव व्यक्त हुए हैं या कौन सी कल्पना उसने की है। वो कहता है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अभी वो क्या कहता है कि अगर हमारे बस में होता, बस में मतलब वश में, या वी कैन से कंट्रोल में। तो कहता है कि अगर हमारे कंट्रोल में अगर होता तो हम क्या करते, नदी को उठाते और अपने घर पर ले आते। अभी ये जो पोयम है ना बच्चों, पूरी पोयम जो है फ्यूचर टेंस है, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो ये जो है ना, इसलिए वो क्या कहता है छोटा लड़का कि अगर हमारे मन में बस में होता तो हम क्या करते, इसको नदी उठाकर इसको घर के घर ले आते। घर अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते, उसको क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और अपने घर के बाहर बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो उसे मैं क्या करूँगा, उसे वहाँ पर हर रोज़ बहाऊँगा, हर रोज़ वो नदी बहती रहेगी। उछल उच कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अभी वो इतना एक्साइटेड है, इज सो हैप्पी, ही विल बी सो हैप्पी कि अगर मेरे घर के बाहर अगर नदी बहने लगेगी तो मैं मित्रों को बुलाऊंगा और उनके साथ उछल कूद करूंगा, मस्ती करूंगा, एंजॉय करूंगा, उनके साथ नहाऊंगा भी। आगे वो कहता है, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। तो वो क्या कहता है कि कभी मैं क्या करूँगा, तैरूंगा मतलब स्विमिंग करूँगा। कुछ लोगों को आती है स्विमिंग, कुछ लोगों को नहीं आती, बट एवरीबडी एंजॉय इन द वाटर। तो कभी डुबकियाँ लगाएंगे, डूबेंगे, और क्या करेंगे, कभी इतराएंगे, इतरना इतराना मतलब अकड़ना, फिर गाना गाएंगे, मस्ती करेंगे, मस्ताते मतलब मस्ती करेंगे, मतलब क्या, हम एंजॉय करेंगे, फ्रीली वी विल एंजॉय। और फिर वो कहता है, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। हम सबको आमंत्रित करवाएंगे, जैसे देखो आपका बर्थडे होता है तभी आप लोगों को इनवाइट करते हैं ना, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। तो इसी तरह वो क्या करता कहता है कि अगर मेरे घर के बाहर अगर नदी बहने लगेगी, जब मैं उसे लाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, लोगों को मैं आमंत्रित करवाऊंगा। आई विल इन्वाइट द पीपल फॉर वॉट, मैं किसके लिए आमंत्रित करूंगा, तो उसमें नहाने के लिए, लोगों को उसमें नहाने के लिए मैं बुलाऊंगा, उनको इनवाइट करूंगा। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट है, दोस्त हु आर प्रेजेंट ओवर देयर, भद्रजन मतलब क्या, सज्जन, सभ्य लोग, एकदम डिसेंट, जेंटल भी कह सकते हैं। तो जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हैं, बड़े लोग, तो उनसे मैं क्या करूँगा, नदिया से अपना परिचय करवाऊँगा। आई विल इंट्रोड्यूस देम टू माई रिवर, इट विल बी माई रिवर, क्योंकि मेरे घर के सामने है, तो मैं लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। जैसे हम कभी जाते हैं गेट टुगेदर में, तभी हमारे पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दिस इज माई सन, माई डॉटर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी मैं लोगों का अपनी नदी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, नदी से। आगे वो कहता है, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर मेरे मन में आ जाए तो इफ़ इट वुड कम इन माय माइंड, तो मैं क्या करूँगा, झटपट नदी पार कर जाऊँगा, आई विल क्रॉस दैट रिवर। लेकिन कैसे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना, मतलब मैं तैरूँगा, आई विल स्विम एंड आई विल रीच टू द अनदर एज, झटपट पार, क्विकली आई विल क्रॉस द रिवर टू दैट एज। एंड में वो क्या कहता है लास्ट के स्टैंजा में,
कि खड़े खड़े उस पार नदी को, नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, अगर मैं तैरूंगा अभी आई विल स्विम, तो स्विमिंग करके मैं उस एज पर पहुंच जाऊंगा और वहां पर जाने के बाद मैं किसे आवाज दूंगा, किसे किसके नाम से चिल्लाऊंगा, मम्मी के नाम से, मम्मी मम्मी। आप लोग जब जाते हो किसी झूले में बैठते हो तो मम्मी मम्मी पप्पा करते हो कि नहीं, मानो आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। तो इस लड़के को भी ऐसे ही लग रहा है, इसीलिए वो मम्मी मम्मी करके चिल्लाएगा, फ्यूचर टेंस है ये। तो बाद में वो कहता है कि शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम हो गई है, सनसेट हो गया है, जैसे शाम होने पर हर लोग जो होते हैं वो अपने अपने घर आते हैं, तो यहाँ पर भी वो क्या कहता है कि सुबह मैंने इस नदी को उठाया है, उसे अपने घर के बाहर दिन भर बहाया है, मैंने इंजॉय किया है फ्रेंड्स के साथ, तो अभी शाम का समय हो गया तो इसमें भी उसके घर पर यानी उसके जगह पर मुझे रखना चाहिए। तो वो कहता है कि शाम ढल गई है, मतलब सनसेट अभी हो चुका है, तो उस नदी को मैं उठाऊंगा और अपने कंधे पर मतलब शोल्डर पर रखूंगा, और जहाँ से मैं वहाँ लाया था, लाए जहाँ से थे हम, उसको जाकर उसे वहीं रखाते, मतलब जिस प्लेस से मैं उसे लाया था उस प्लेस पर जाके अभी मैं उसे रख के रखूंगा। जब आप ग्राउंड में खेलते हो, आउटडोर गेम जब आप खेलते हो, लाइक क्रिकेट जब आप खेलते हो, तो क्या बैट बॉल आप ग्राउंड पर भूलते हो? नहीं ना। तो उसे आप तो एकदम केयरफुली सब आपके बैट बॉल कलेक्ट करके आप घर में एक प्रॉपर जगह में रख देते हो। तो उसी तरह ये लड़का भी जहाँ से उस नदी को उठा कर लेके आया था सुबह के समय या सुबह में, तो वो शाम को उस जगह पर, नदी की जो जगह है उसे वहाँ पर रख आएगा। तो समझ गई, इमेजिनरी पोयम है ये। नदी हम कंधे पर रख सकते हैं क्या? क्या उसे हम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, लेकिन ये छोटा सा लड़का है, उसने इमेजिन किया है। तो ये छोटे लड़के के मन के जो भाव है, उसके जो इमोशंस है नदी के प्रति, उसे जो लगता है, वो इस कविता में कवि ने बहुत ब्यूटीफुली हमें वर्णन करके बताया है। तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो चलिए, एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर, अभी हम क्या करेंगे? यस करेक्ट, रेसिटेशन करेंगे। जरा माइक देना प्लीज। यस गॉट इट। तो लेट्स स्टार्ट। ला 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 उसको हम हर रोज बहाते कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते सभी उपस्थित भद्र जनों का नदिया से परिचय करवाते अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते शाम ढले फिर नदी उठा कर अपने कंधे पर रखवाते लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते अपने घर के
ठीक सामने उसको हम हर रोज बातें। तो आई होप आपको ये पोएम रेसिटेशन भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फर्स्ट, कवि की क्या कल्पना है? अभी बच्चों, इस पोयम में ना कवि ने बच्चों के मनोभावों को व्यक्त किया है, मतलब छोटे बच्चों के मन के जो भाव है, उनके जो इमोशंस है, वो यहाँ पर एक्सप्रेस किए। कवि के मन में नहीं आ रहा है कि नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर के सामने बहाना, नदी के पार जाकर मम्मी मम्मी चिल्लाना, ये कवि के मन के भाव नहीं है, बल्कि बच्चों के मन के भावों को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेस किया हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम में आपके आता है कि कवि की क्या कल्पना है या छोटे बच्चे की क्या कल्पना है, ऐसे अगर टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको आंसर सेम ही लिखना है। कवि दिया हो या छोटा लड़का दिया हो, आंसर विल बी सेम, याद में रखो। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, कवि की क्या कल्पना है? आंसर, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। सेकंड, कवि नदी को कहाँ बहाते? आंसर, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। थर्ड, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? आंसर, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। फोर्थ, शाम ढलने पर कवि क्या करते? आंसर, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते। जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वही ले जाकर रखाते। फिफ्थ, कवि किसके साथ नहाना चाहते हैं? आंसर, कवि मित्रों के साथ नहाना चाहते हैं। सिक्स्थ, कवि किसको कंधे पर लाना चाहते हैं? आंसर, कवि नदी को कंधे पर लाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, समानार्थी शब्द लिखिए। नदी, सरिता, मित्र, दोस्त, रोज, प्रतिदिन, घर, गृह, शाम, संध्या, भद्र, सज्जन। तो आई होप आपको ये पोयम भी समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाय।